हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग जी नमस्ते सत्यकाल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे ही होंगे तो जी सारे काम निपटा लिए हैं और देखिए मंदिर अच्छे से ज्योत बत्ती के साथ बस जी दिन की शुरुआत करते हैं और बच्चे चले गए हैं स्कूल और हम अपना काम में लग जाते हैं तो फ्रेंड्स आज मैंने लिए है एक ट्री वुडन की है तो काफ़ी साल पुरानी है बिल्कुल थोड़ा सा डल सा कलर हो चुका है और ये केक का बेस मैंने देखिए संभाल कर रखा हुआ है ये गत्ता काफी मजबूत होता है कार्डबोर्ड और एक और लिया है तो आज इसी वेस्ट सामान का ही देखिए रियूज करेंगे रिसाइकलिंग करेंगे और ये कुछ बचे खुचे मेरे पास इस तरह कलर पड़े हैं लेसिस हैं कुछ मिरर्स लिए हैं और फ्रेंड्स ये फेवी बॉन्ड है तो काफ़ी अच्छी है ये मिरर वग़ैरह लगाने के लिए बिल्कुल सही है लेसिस वगैरह के लिए और काफ़ी सिंपल इसकी रेंज कोई ज़्यादा नहीं है थर्टी या थर्टी फाइव तो जी चलिए फिर करते हैं स्टार्ट तो ये देखिए फ्रेंड्स बस मिरर्स वगैरह सारी तैयारियाँ कर ली है सारा सामान ब्रशज़ वगैरह मैंने रख ली आप फ्रेंड्स थोड़ा सा सूखा गिला सा कपड़ा लगा कर एक बार क्लीन कर लेंगे अच्छे से जो भी डस्ट वगैरह है वो हमारी उतर जाएगी क्योंकि मैंने आपको बताया है काफ़ी साल पुरानी है ऐसे ही कहीं दबी पड़ी बस मेरे साथ आगे आ गई तो फ्रेंड्स अब जो भी मेरे पास मिरर है ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं तो हर टाइप के हैं ये हर शेप के हैं ये गोल है राउंड है टाइल आ, मतलब हर आ, शेप में है ये मिरर्स और काफ़ी सुंदर है इस तरह के फ्रेंड्स देखिए तो आ इन सब का ही यूज़ करेंगे तो बस जी सारे मैंने एक बार निकाल लिए हैं आ, अलग अलग शेप में जैसे ही हम इनको यूज़ करेंगे तो देखिए कितने आ, सुंदर लग रहे हैं छोटे छोटे साइज में हैं तो जी सबसे पहले आ, मैंने आ, सारे कलर रखे हैं मैंने मेटेलिक कलर हैं जो गोल्डन सिल्वर आते हैं तो थोड़ा सा वो मैं एक बार कर कर देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए तो एक बार मैंने सोचा बाहर की इस तरह ट्री की जो हमारी कन्नी सी है उसके ऊपर इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करना शुरू करा तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं एक बार थोड़ा सा लगा कर देख रही थी कि क्या कलर ये हमारे इस तरह उठेंगे या नहीं आ, तो मैं ये डायरेक्ट ही करूँगी वैसे आप ज, चाहो तो फ्रेंड्स इस पर जैसो वगैरह या वाइट कलर का एक कोड कर सकते हैं उसके बाद आप फाइनल कोड कीजिए बट मुझे लग रहा था यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है करने की तो फिर बस मैं डायरेक्ट ही करने लग गई तो इधर देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा लगा कर देखा है अच्छी लग रही है थोड़ा दो तीन कलर की कम्बिनेशन करेंगे तो इधर ये वाला कलर है ना काफ़ी ज़्यादा उठाव ले ले रहा है तो मैंने सोचा है इस वाले कलर को ना अंदर में तरफ ज़्यादा मैं करूँगी क्योंकि इससे थोड़ा सा हमारी ट्रे में बहुत ज़्यादा शाइन आ रही है और ऊपर की तरफ ये वाला कलर थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर है ये मेटैलिक और देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है शाइन वाले कलर्स होते हैं बस ये भी ऐसे ही होते हैं एक्रेलिक पेंट ही होते हैं फेविक्रिल बट थोड़ी सी इनमें शाइन होती है तो जी ये बहुत खूब अच्छा लग रहा है ऐसे लग रहा है सारी जैसे कितनी पुरानी ट्रे है देखिए थोड़ी सी शाइन आ गई चमक आ गई है और ये करने के बाद मुझे आ, नहीं लगता कि इसके ऊपर हमें वार्निश करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ही ये कलर देखिए काफ़ी शाइन है। है अगर चाहो तो आप वार्निश भी कर सकते हो लास्ट में जब हमारी ये ट्रे बनकर रेडी हो जाएगी तो देखिए देखने में सुंदर तो पहले ही लग रही थी बस फ्रेंड्स अब इसमें देखिए इस तरह कलर आ, करेंगे तो ये हमारा मान लीजिए बस डबल कोड ही हो गया क्योंकि पहला कोड हमने थोड़ा सा जो ये गोल्डन कलर था मटैलिक उसका दे दिया है और इसके ऊपर बस अब थोड़ा थोड़ा जो एक्रेलिक पेंट है वाइट है ब्लू है ग्रीन है और ये देखिए रेड है तो इनकी ये जैसे ही डिज़ाइनिंग वुडन की बनी हुई है वुडन ट्रे ये काफ़ी मजबूत है बहुत सुंदर है फ्रेंड्स जहाँ भी इसे डेकोरेट करेंगे ड्राइंग रूम में या कोई रूम में जहाँ भी टेबल पे या कोई डाइनिंग टेबल पे बहुत सुंदर लगेगी और इसमें हम छोटा मोटी चीज़ें अपनी देखिए डेकोरेटिव की रख सकते हैं तो फ्रेंड्स अब देखिए सारा हो चुका अब फाइनल लुक इसका मिरर के साथ करेंगे तो ये मिरर है इनसे थोड़े थोड़े मैं फ्लावर बना रही हूँ डिज़ाइनिंग देने की कोशिश कर रही हूँ फाइनल लुक है हमारा वुडन की ट्रे का देखिए कितनी सुंदर लग रही है मिरर के साथ कलर्स के साथ और लास्ट फाइनल मैंने इस पर पोम पोम वाली छोटी पोम पोम की लेस लगा दी है बाहर से और देखिए बहुत सुंदर लग रही है फ्रेंड्स अब आप चाहें तो इस पर वार्निश कर सकते हैं कोड वार्निश का दे सकते हैं ताकि हमारे कलर वगैरह ऐसे के ऐसे ही पड़ी रहें और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत सुंदर लग रही है देखिए ऐसे ही कई चीज़ों को तो हम ऐसे कूड़े में ही समझ कर ऐसे इधर उधर रख देते हैं या फेंक देते हैं बट उस चीज़ का जब हम री यूज़ रिसाइकलिंग करते हैं तो वो चीज़ हमारी दोबारा देखिए कितनी सुंदर बनकर रेडी हो जाती है बस थोड़ी सी ज़रूरत है तो मेहनत की अगला हमारा दूसरा डी वाई फ्रेंड्स इस तरह केक के ये होता है जो जिस पे केक होता है हमारा बेस होता है उसका तो देखिए इसको ये कार्डबोर्ड भी काफ़ी मजबूत होता है तो इसको भी मैं गिरती नहीं अक्सर इसको संभाल कर रख लेती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स अभी थोड़े दिन पहले बेटे का बर्थडे था तो मैंने इसको धोकर अच्छे से रख लिया था और ये देखिए अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा आर्ट करेंगे तो ये एक बड़ा मिरर है जो कि अक्सर लेडीज़ के कंपैक्ट पाउडर के देखिए जब ख़त्म हो जाता है तो उसमें मिरर ये बड़े वाला लगा होता है तो इस तरह ये मैं यूज़ करती हूँ तो इस तरह के मैंने काफ़ी सारे जब फेंकने से पहले मैं ये मिरर निकाल कर रख लेती हूँ तो देखिए आज हमारी काम आ गया अब फ्रेंड्स इसको सेंटर में लगाया अब साइडों में जैसी शेप अलग अलग शेप के आप आप मिरर लगाएंगे इस तरह लाइन में चाहो तो आप पेंसिल से इस तरह सर्कल लगा सकते हो बट मैं तो अंदाजे से ही लगाई जा रही हूँ और एक अब देखिए इस तरह डिफरेंट टाइप के इस तरह हम सर्कल कंप्लीट करेंगे अलग अलग मिरर के तो फ्रेंड्स देखने में बहुत सुंदर लगेंगे तो अभी इतना नहीं जी जब मिरर लग जाए फिर मैं बताती हूँ आपको आगे हमने क्या करना है तो इस तरह ये हम वॉल हैंगिंग के तौर पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अब मैं इधर बाहर आ गई हूँ तो इधर मैंने कार्डबोर्ड पे देखिए अपना ये हमारा जो है इसको रख लेंगे अब मैं इस पे पुट्टी क्या ढो है ये देखिए ढो बनाएंगे पुट्टी का इसमें कलर डालेंगे एकलिक पेंट मैंने थोड़ा सा डाला है और पानी डालेंगे और आप थोड़ा सा फेविकोल जरूर डाल लेना तो ये फ्रेंड्स एक हमारा घोल सा बनकर रेडी हो जाएगा जैसे हमारा केक का बेस होता है इस तरह का हमने करना है ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा तो इस तरह फ्रेंड्स आ, देखिए आ, मैं आ, बना हमारा ये घोल एक बनकर रेडी हो जाता है और एक लाइट सा लाइट पिंक पीच कलर सा ऐसा देखिए मिल जाता है तो ये बिल्कुल इसमें गाठी वगैरह नहीं होनी चाहिए इस तरह का हम घोल तैयार करेंगे तो बिल्कुल स्मूद सा पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो जाएगा और ये देखिए फ्रेंड्स अब हमने जो मिरर लगाए हैं अब इसके ऊपर हम देखिए ऐसे स्पून से डालेंगे और फटाफट से हम ऐसे फिला देंगे तो फ्रेंड्स इस तरह देखिए बहुत ही एक हमारा सुंदर ये देखिए लिपन आट में बनकर रेडी हो जाता है कुछ नहीं हमारा लगा देखिए घर का वेस्ट कार्डबोर्ड था और थोड़ी सी पुट्टी ली है और इस तरह देखिए मैंने तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह फैलाया है क्योंकि ईजिली हाथों से आ, हो जाता है हाथों पे ये काम पुटी के काम करने से पहले आप हाथों पे अपने कोई ऑयल है या वैसलिन लगा लीजिए ताकि हाथ फटने या कटने का कोई डर नहीं रहता तो जी थोड़ी देर बाद पाँच दस मिनट बाद मैंने आ, इस पर हम हल्का हल्का इस तरह इसको कुर्चेंगे कपड़ा या कोई कपड़ा ले लीजिए या कोई कॉटन ले लीजिए उससे इस तरह देखिए ईजिली हमें पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ मिरर है तो ये देखिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स मैंने खुद पहली बार ये करा है और देखिए इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा निकला है अब इसको थोड़ा सा और एक बार ऐसे थोड़ा सा मैं हल्का हल्का पानी का हादसा मार दूंगी और कपड़ा फिर मार दूंगी फिर इन्हें क्लीन करेंगे तो शीशों में बहुत ज़्यादा अच्छी शाइन आएगी तो ये सूख चुका है अब मैंने इसकी इसको उल्टा कर कर अब इसको वॉल हैंगिंग बनाना है तो थोड़ा सा हम और डेकोरेशन कर देते हैं तो इधर ये मैंने ऊन के बनाए हैं देखिए टसल तो दो तीन टसल ये लगा देंगे और थोड़ा सा मिरर लगा देंगे और एक ये डोरी है थ्रेड है ये मेरे पास पड़ी थी तो मैंने सेंटर वाली डोरी को थोड़ा लंबा किया है और साइडों वालियों को बराबर किया है तो इस तरह तो टोटल टो 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 थ्री डोरीज हो गई हमारी और देखिए कितना सुंदर और ये मैंने फ्लावर ये पिंक थे मेरे इसी के साथ के तो मैंने लगा दिए तो देखिए जी फाइनल लुक इसका ये भी बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स देखने में देखिए बाहर मैंने आपको हैंग कर दिखाया है फ्रेंड्स हाँ, अपने दोनों ये ए बन चुके हैं और ये देखिए भी हमारी बहुत प्यारी लग रही है और पीछे से अभी मैंने कुछ किया नहीं तो देखिए इस तरह की थी तो थोड़ा सा काफ़ी साल पुरानी हो गई थी काफ़ी मजबूत है तो देखिए थोड़ा सा न्यू लुक मिल गया है इसको तो सुंदर लग रही है इसको अब हम ड्राइंग रूम में कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ें तो डेकोरेट ही अच्छी लगती हैं तो ये देखिए हमारी खूब अच्छी दोबारा रिसाइकिलिंग यूज़ होगी है तो बस ये काफ़ी दिनों से पड़ी थी तो मैं सोच रही थी कि इसको क्यों ना इसका कुछ ना कुछ किया जाए तो बहुत ही प्यारा हमारा वॉल हैंगिंग भी बन चुका है वो भी मैंने दिलीप में फर्स्ट टाइम मैंने वो किया है तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की मेरी वीडियो दोनों डी अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना जी और एक प्यारा सा कमेंट कर देना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो ठीक है फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओके बाय